जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश के भीतर, इसके भीतर और बाहर भी स्थित हैं, जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते रहते हैं। जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच की रचना करने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव को मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विदेश्वर संहिता का जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया है। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है, तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते हैं। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं, लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकृत्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए प्रभु। आप उमा के आविर्भाव तथा विवाह की भी कथा कहिए, विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, आपको ये सब तथा दूसरी बातें अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदा शिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है? जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणा वाली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा वाणी और कानों को प्रिय लगने वाली तथा संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथाबुद्धि प्रयत्न पूर्वक लीला का वर्णन करता हूँ, और आप इसे आदरपूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया, और वे उन मुनि शिरोमणि के हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गुणगान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनित चित्त से तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी, जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट
देवनंदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार के शोभा से सुशोभित हो रहा था। दिव्य दर्शी नारद जी ने तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बैठकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात करने वाला विज्ञान प्रकट हुआ, मैं ब्रह्मा हूँ। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उसी समय वह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से बेहल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की पूरी इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते हुए कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत के साथ बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने मदमस्त होकर अपना प्रभाव अपने प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव के अनुग्रह से दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। शौनक और महर्षियों, ऐसा होने का जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसे आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव की उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों के तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनकी याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल पाएगा। अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के वाणों का कोई प्रभाव नहीं चल सकेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शंकर की उस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव जी का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव के माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृतांत का स्मरण ना कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब भी मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थवाद का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित होकर मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर चले गए। उस समय वे विजय से मत से उन्नत हो रहे थे। वहां रुद्रदेव का नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनियों ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी शक्ति ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के कारण यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो।
अब से फिर कभी ऐसी बात मत कहना। विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत सुनाया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने नहीं कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे ना कहने की आज्ञा भी देता हूँ। क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार के सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा ने भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मत का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या कारण है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा, तात, कहाँ से आए हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मत से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय की यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है मुने, जिसके भीतर शक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते हैं, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार ही शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो तथा सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ गया? तुम्हें तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले, स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि महा से चले गए।